हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स, जो कि क्लास सेवन्थ पियर्सन आईटी फाउंडेशन सीरीज से हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे। वैसे काइनेमेटिक्स ऑन द होल एक ही बात है, क्लास एट्थ का पढ़ें या क्लास नाइन्थ का पढ़ें, थोड़ा सा ज़्यादा और कम है, ठीक है। मैंने क्लास एट्थ और क्लास नाइन्थ में ऑलरेडी बहुत अच्छे से काइनेमेटिक्स को कम्प्लीट कर दिया है। अगर आप क्लास एट्थ और नाइन्थ के स्टूडेंट्स में से हैं तो आप उन लेक्चर्स को ज़रूर देखें, ठीक है। तो क्लास सेवन के बच्चों का कहना था सर कि क्लास एट और क्लास नाइन आपने कर दिया, तो क्लास सेवन भी कर दें। तो वैसे मैंने क्लास सेवन के जो क्वेश्चंस हैं, जो कंपटीशन विंग के क्वेश्चंस हैं, उसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है। अगर आपको बस वही चाहिए तो आप ज़रूर जाके चेकआउट करें, ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे अब काइनेमेटिक्स, ठीक है। जैसे काइनेमेटिक्स की शुरुआत होती है आपको पता ही होगा, बेसिकली हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स है क्या? कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है कि ये काइनेमेटिक्स ही क्या है आखिर, ठीक है। तो बेसिकली मोशन का स्टडी है, और मोशन के स्टडी को ऑन द होल जो कहा जाता है उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। तो सिंपल सी बात है, मैकेनिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ मोशन। मोशन के स्टडी को पूरी तरह, जो ब्रांच मतलब पूरा ब्रांच फिजिक्स की अगर बात करें, फिजिक्स में हम किसकी बात करते हैं? नेचर की बात करते हैं। नेचर और नेचर में जो लॉज हैं, ठीक है, नेचर और नेचर में जो लॉज हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ये कलम है, इस पेन को देखते हैं, इस पेन को अगर हम छोड़ दें तो कहाँ गिरेगा? नीचे की तरफ। ये नेचर में ऐसा होता है, और नेचर में ये लॉ है कि वो नीचे की तरफ ही जाएगा, और इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, मैग्नेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, मतलब नेचर में जो भी चीज़ें हो रही हैं ना उसके बारे में डिस्कस हम फिजिक्स में करते हैं, ठीक है। अब बात क्या हुई कि मोशन का अगर स्टडी किया जाए तो उसको मैकेनिक्स कहेंगे, ठीक है। फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम मोशन का स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। और देखिए, जब मोशन में बॉडी आता है या मोशन को मेंटेन करना पड़ता है या स्पीड बढ़ाना पड़ता है, स्पीड घटाना पड़ता है, तो उसके साथ हमको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, उसमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। उसके बारे में डिस्कस हम नहीं करेंगे कहाँ पे? काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स सिंपल, हम मोशन के स्टडी की बात करेंगे विदाउट रीजन, विदाउट रीजन। तो एक बात तो क्या हो गई, ये समझ गए आप कि मैकेनिक्स का मतलब हो गया कि मोशन के स्टडी को जिस ब्रांच में हम फिजिक्स में करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में एक हमारा ब्रांच होगा, सब ब्रांच, उसको काइनेमेटिक्स कहेंगे। काइनेमेटिक्स में मोशन का ही स्टडी करेंगे बट उसका रीज़न नहीं जानेंगे। रीज़न में क्या है बताइए? फोर्स, उसमें लगने वाली एनर्जी, उसके बाद वर्क, पावर, ये सारे का सारा जो डिस्कस है वो हम काइनेमेटिक्स में नहीं करेंगे, बस मोशन का स्टडी करेंगे। अब मोशन में क्या बात होगी? एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो अपना पोजीशन चेंज करेगा। जब पोजीशन चेंज करेगा तो उसका जो पाथ का लेंथ होगा उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, वो कितना फास्ट जा रहा है, वो कितना स्लो जा रहा है, स्पीड के बारे में डिस्कशन करेंगे, वेलोसिटी का डिस्कस करेंगे, एक्सेलरेशन का डिस्कस करेंगे, वहीं तक हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? मोशन के स्टडी को मैकेनिक्स कहेंगे, और मोशन के स्टडी को रीजन के बिना जो जानेंगे वो काइनेमेटिक्स होगा। तो हम लोग बस क्या जानेंगे? काइनेमेटिक्स। तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले बताइए? डिस्टेंस, जब पोजीशन चेंज होगा तो किसके बारे में पढ़ेंगे? डिस्टेंस के बारे में। फिर किसके बारे में पढ़ेंगे बताइए? डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जब इसको हम टाइम के साथ मिला देंगे, टाइम के साथ बात करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका स्पीड और वेलोसिटी। जब स्पीड और वेलोसिटी में भी बदलाव आएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्सेलरेशन, ठीक है। इन टर्म्स का हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पे? काइनेमेटिक्स में। और ये जो टर्म्स हैं इसको हम मेज़र कर सकते हैं, और जिन जिन टर्म्स को, जिन जिन क्वांटिटी को हम मेज़र कर सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? तो दीज आर बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो तो मोशन है ना, तो सबसे पहले मोशन क्या है इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं मोशन क्या है, ठीक है। जैसे आप अगर मोटा हैं, आप अगर मोटे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि पतला क्या है। आपको अगर पानी गर्म लग रहा है तो ये पहले जानना ज़रूरी है कि ठंडा क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, दो चीज़ें एक साथ जानना ज़रूरी पड़ता है। जैसे यहाँ पे मोशन है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट एंड मोशन। मोशन तभी हुआ होगा जब बॉडी किस में आया होगा? रेस्ट में। रेस्ट के बारे में आप अगर फील कर पाते हैं तो आप साथ में मोशन के बारे में भी उसको आराम से फील कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा हम बहस नहीं करके हम कुछ एग्जांपल देंगे। जैसे घर की दीवार है आपके दो, ठीक है, आमने सामने दो दीवार है, ठीक है, और आप यहाँ पे हैं, ये आपका फर्श, ठीक है, ये छत, ठीक है, ये सब वॉल, सब ये वॉल है, वॉल वन वॉल टू, ये वॉल वन है और ये वॉल टू, और यहाँ पे आप खड़े हैं,
ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे अच्छे तरीके से, ये वाल और ये वाल दोनों के बीच अगर देखेंगे, न तो वाल वन वाल टू के नज़दीक जा रहा है और न ही वाल टू वाल वन के नज़दीक आ रहा है, और वाल वन के सामने वाल टू है और वाल टू के सामने वाल वन है, दोनों के बीच का एक जो रिलेटिव डायरेक्शन है उसमें भी बदलाव नहीं आ रहा है, ये इसके सामने है ये इसके सामने है, ठीक है, और दोनों के बीच का एक डिस्टेंस होगा मान लेते हैं 2 मीटर है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो हम लोग इसको साइंटिफिकली ऐसे बोलेंगे कि वाल टू का जो पोजीशन है ना वो वाल वन के रिस्पेक्ट में नहीं बदल रहा है, उसी तरीके से वाल वन का भी पोजीशन वाल टू के रिस्पेक्ट में बदल नहीं रहा है, लेकिन इसके साथ क्या बदल रहा है, टाइम ज़रूर बदल रहा है। तो एक बात हो गई, यहाँ पे पोजीशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पोजीशन की बात करेंगे और टाइम की बात करेंगे। तो वाल वन का पोजीशन वाल टू के रिस्पेक्ट में, हम वाल वन को पूरा नहीं लेंगे, उसका सेंटर को लेंगे, हम इसको पार्टिकल मानते हैं, अभी बाद में बात करेंगे। तो हम लोग ऑब्जेक्ट ना बोल के क्या बोलेंगे, पार्टिकल, जहाँ पे साइज इंपॉर्टेंट नहीं हो। पार्टिकल किसको बोलते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट जहाँ पे हम उस सिचुएशन में उसको हम उसके साइज को इग्नोर कर सकते हैं, बस आप पार्टिकल समझें, एक ऑब्जेक्ट ही है जहाँ पे साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो वाल वन का जो पोजीशन है वाल टू के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ बदल नहीं रहा है, वैसे ही वाल वन का जो पोजीशन है वाल टू के रिस्पेक्ट में उसका जो पोजीशन है टाइम के साथ बदल नहीं रहा है, दैट इज दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन है वो टाइम के साथ वाल वन का वाल टू के रिस्पेक्ट में, वाल टू का वाल वन के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। यही तो हमारा अक्सर होता है ना, ऐसा थोड़ा कि मूवेबल वाल्स होगा आपके घर में, एक वाल दूसरे वाल के क्लोज आ गया, आपको अगर कमरा बड़ा बनाना है तो एक को ठेल दिया और रूम बड़ा बना दिया, ऐसा नहीं होता है अक्सर। क्या 99.99 दैट इज 100% ये मानते हैं कि जो वाल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो वाल वन और वाल टू का जो पोजीशन है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ बदलता नहीं है, तो इसको हम कहते हैं कि वाल वन किस में है, रेस्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में, वाल टू के रिस्पेक्ट में, और वाल टू भी रेस्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में, वाल वन के रिस्पेक्ट में। ये तो क्लियर हो गया कि वाल वन वाल टू एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। इसके साथ क्या बात करा हमने, हमने बात करी पोजीशन के बारे में और टाइम के बारे में। टाइम के साथ हर एक का पोजीशन दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर चेंज नहीं होता है तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो किस में होता है, रेस्ट में होता है। लेकिन एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, मान लेते मैं हूँ या आप हैं, ठीक है, अगर आप मानते हैं कि वाल टू के नज़दीक जा रहे हैं, आप बताइए, जब आप वाल टू के नज़दीक जा रहे होते हैं तो वाल वन से दूर जा रहे होते हैं, वाल टू के नज़दीक जा रहे होते हैं तो वाल वन से दूर जा रहे होते हैं, तो क्या हो रहा है बताइए, वाल टू का जो पोजीशन है इस बंदे के रिस्पेक्ट में, जो भी यहाँ बंदा है, इस नाम इसका नाम मैंने बंदा दे दिया, ये बंदा नज़दीक जा रहा है किसका, वाल टू का, तो दूसरे वाल के नज़दीक, दूसरे दीवार के नज़दीक कौन जा रहा है बताइए, ये बंदा जा रहा है। ये बंदा जब वाल टू के नज़दीक जा रहा होता है तो वाल टू पहले क्या था, दूर था, अब वाल टू क्या हो रहा है, नज़दीक हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, इस बंदे के रिस्पेक्ट में, लेकिन इस वाल वन के रिस्पेक्ट में तो नहीं चेंज हो रहा है ना अपना पोजीशन। तो अगर ये बंदा जा रहा होता है तो वाल टू का पोजीशन बंदे के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसी तरीके से वाल वन का भी पोजीशन इस बंदे के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, पहले नज़दीक था अब ये दूर हो रहा है, कौन, वाल वन पहले क्या था, नज़दीक था, अब क्या हो रहा है, वाल वन इस बंदे से दूर हो रहा है। मतलब अब बंदा अगर वहां मूव करेगा तो वाल वन का और वाल टू का दोनों का ही पोजीशन इस बंदे के रिस्पेक्ट में क्या होगा, चेंज होगा। दैट मींस वाल वन और वाल टू दोनों ही इस बंदे के रिस्पेक्ट में उस ड्यूरेशन में मोशन में हो जाएगा। लेकिन अगर ये बंदा रुका हुआ यहीं पे तो क्या होगा, वाल टू का और इस बंदे का जो पोजीशन है दोनों के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो पोजीशन आप समझ पा रहे हैं, दोनों के बीच का एक डिस्टेंस और एक डायरेक्शन की भी बात करेंगे, बात समझ आ रही है। अगर दूर और नज़दीक होगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो दोनों ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा, मोशन में, और दूर भी नहीं हो रहा होगा, नज़दीक भी नहीं हो रहा होगा, डायरेक्शन में भी कोई बदलाव नहीं हो रहा होगा, तो समझ जाइए किस में, रेस्ट में, ठीक है। इसके साथ पोजीशन और टाइम का इन्वॉल्वमेंट हुआ, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि वाल टू और वाल वन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस में है, रेस्ट में है, और ये जो बंदा है, अब सोचिए ये बंदा किसके नज़दीक जा रहा है, वाल टू के नज़दीक जा रहा है, तो वाल टू भी बंदा के नज़दीक आ रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि बंदा वाल के नज़दीक जा रहा है और वाल बंदा से, मतलब वाल और बंदा के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। मतलब अगर बंदा वाल के नज़दीक जा रहा है तो वाल के नज़दीक भी तो बंदा आ रहा है, मतलब वाल, समझ रहे हैं मेरे, दोनों ही का पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। या आप और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, ये अगर नहीं समझ आया तो, आप जब स्टेशन में खड़े होते हैं तो आप क्या कहते हैं कि गाड़ी आ रही है, ट्रेन आ रहा है, ठीक है, ट्रेन आपका आया या बस आ रही है, आ रहा है, व्हाटएवर, है ना, तो आप कहते हैं कि ट्रेन आ रहा है, ठीक है। अब ट्रेन अगर आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि आपका जो पोजीशन है, आप जहाँ पे हैं और ट्रेन जहाँ पे, ट्रेन आपके नज़दीक आ रहा है, पहले ट्रेन दूर था अब ट्रेन नज़दीक हो रहा है, मतलब ट्रेन का पोजीशन टाइम के साथ आपके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक।
उसी तरीके से जब आप ट्रेन में होते हैं तो कहते हैं कि स्टेशन आ रहा है। कैसे स्टेशन आ रहा है? क्योंकि अब बोलते हैं ऐसा, आप सोचने की कोशिश करें आप कभी बोले हैं कि नहीं, जब आप ट्रेन में बैठे हैं तो स्टेशन पहले आपसे दूर था, अब स्टेशन टाइम के साथ क्या हो रहा है, आपके नज़दीक हो रहा है, स्टेशन का जो पोजीशन है वो आपके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, जैसे आप बोलते हैं मेरा घर आ रहा है, मेरा स्कूल आ रहा है, ये इसीलिए जब आप जा रहे होते हैं तो वो भी आ रहा होता है, ठीक है। तो ये तो आप क्लियर समझ गए होंगे कि जब एक पार्टिकल का पोजीशन दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज नहीं होता है तो दोनों ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होता है, और अगर चेंज होता है तो दोनों ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में होता है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ, अगर समझ आ गया तो क्या होगा बताइए। इफ़ अ पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट, उस सिचुएशन में उसका साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ऑब्जेक्ट ही समझें। इफ़ अ पार्टिकल क्या डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू, डब्ल्यू आई टी एच विथ आर ई एस पी सी टी रिस्पेक्ट टू लिखा हुआ है यहाँ पे, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल, किसके साथ, टाइम तो हमेशा आगे बढ़ेगा, पोजीशन कम हो सकता है ज़्यादा हो सकता है, चेंज नहीं भी हो सकता है, बट टाइम हमेशा आगे बढ़ेगा, रुक भी नहीं सकता पीछे भी नहीं सकता जा सकता, हमेशा कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। जो आप टाइम ट्रेवल पढ़े, नॉवल वगैरह पढ़ते हैं उस पर आप यकीन अभी मत कीजिए, ठीक है। विथ टाइम देन दोनों ही पार्टिकल, पार्टिकल्स आर रेस्ट के साथ एट लगता है, इसका ख्याल रखें, एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट या एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की बात अगर करें, एक पार्टिकल की बात करें वो रेस्ट में है या नहीं वो दूसरे पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कैसा टर्म है, रिलेटिव टर्म है, कैसा टर्म है, रिलेटिव टर्म। इसी तरह से अगर हम बोलें इफ अ पार्टिकल, वहां क्या है था, डज नॉट चेंज या डज चेंज, या बोलेंगे हम चेंजेस, चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू लिखा हुआ है अनदर पार्टिकल। इफ अ पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल, सेम आगे उधर है ना, विथ टाइम, विथ टाइम देन टी एच ई एन है, ठीक है, टी एच ए एन लिख देते हैं आप लोग गलती से, देन पार्टिकल्स आर क्या होगा, इन, एट नहीं, इन, इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। इफ अ पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल विथ टाइम देन पार्टिकल्स आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एट रेस्ट होता है और इन मोशन होता है, ठीक है। अब क्योंकि एक पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में है, इसके लिए दूसरे पार्टिकल के सहारा की जरूरत पड़ी, मतलब एक पार्टिकल टू से दैट द पार्टिकल इज एट रेस्ट और इन मोशन, एक पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में, इसके लिए हमको दूसरे पार्टिकल की जरूरत पड़ती है, इसको हम रेफरेंस कहते हैं, वी नीड अ रेफरेंस, वी नीड अ रेफरेंस, ठीक है। अब इस रेफरेंस को आप लोग छोटे बच्चे हो तो आप लोग सराउंडिंग भी बोलते हैं, और सराउंडिंग, देयरफॉर रेस्ट एंड मोशन आर कैसा टर्म्स, रिलेटिव टर्म्स। जब एक टर्म को डिफाइन करने के लिए दूसरे की ज़रूरत पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव टर्म्स, नॉट एब्सोल्यूट। तो जो रिलेटिव होगा वो कभी एब्सोल्यूट नहीं होगा, जो रिलेटिव होगा वो क्या नहीं होगा, एब्सोल्यूट नहीं होगा। तो ये क्लियर हो गया, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं हैं। जैसे आप बोलते हैं पानी है, पानी गर्म है या ठंडा है वो आपके हाथ के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि वो गर्म महसूस होगा या ठंडा महसूस होगा, बट पानी तो पानी ही होगा ना, तो पानी का पानी होना एब्सोल्यूट है, बट पानी का ठंडा होना गर्म होना दूसरे पे डिपेंड करता है, वो रिलेटिव टर्म्स, ठीक है। ये बात आप समझ पाए होंगे। ये तो कहानी हो गई किसकी, रेस्ट एंड मोशन की। अब बात करेंगे मोशन के टाइप्स, किस पे बात करेंगे, मोशन के टाइप्स पे, लिखे टाइप्स ऑफ मोशन, रेस्ट का तो कोई टाइप नहीं होगा, रेस्ट तो रेस्ट है बस, टाइप्स ऑफ मोशन। हम लोग दूसरे तरीके से मोशन के टाइप को शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लीनियर मोशन पढ़ते हैं या ट्रांसलेटरी मोशन, फिर सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन। अभी मैं जो शुरू करूंगा वो हम शुरू करेंगे पेरियोडिक मोशन से। किससे शुरू करेंगे, पेरियोडिक मोशन से। सबसे पहला हमारा क्या होगा बताइए, पेरियोडिक मोशन,
ठीक है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, जो समझ कम आता है, उसी को समझाएंगे ना पहले। आप देखे होंगे, देखे क्या होंगे, आप जानते हैं कि एक जो आपका घड़ी का जो कांटा है, चाहे वो सेकंड का कांटा हो या मिनट का कांटा हो या घंटे का, आवर का, सब जो चक्कर कंप्लीट करता है अगर ठीक ठाक घड़ी है तो एक साइकिल जो कंप्लीट करेगा कौन, चाहे वो सेकंड का कांटा हो, सेकंड का कांटा कितने सेकंड में कर देता है, 60 सेकंड्स में एक साइकिल कंप्लीट करता है, और मिनट का कांटा 60 मिनट्स में, आवर का कांटा 12 आवर्स में। और ये हमेशा वो जो सर्कल में घूम रहा है उसका टिप, इसका टिप मतलब ये वाला, ठीक है, ये जो घूमता है, मान लेते मैं मिनट की बात करूँ, मिनट के डंडे की बात करूँ, मिनट हैंड की बात करूँ, तो इसका जो ये वाला टिप है या जो भी आप लें, ठीक है, वो अगर एक बार चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाया, 60 मिनट्स, तो दूसरी बार भी कितना लगाता है, 60 मिनट्स, तीसरी बार भी कितना लगाता है, 60 मिनट्स, चौथी बार भी कितना लगाता है, 60 मिनट्स। जब कोई मोशन को रिपीट करता है, ये जो सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो मिनट का हैंड का जो टिप है वो कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। इस पूरे को लेंगे तो हम रोटेटरी मोशन कहेंगे, ये अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो इसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं ये जो टिप है ये किस में चल रहा है, सर्कल में चल रहा है, और ये सर्कल में जो चलना है इसको क्या कर रहा है, वो जो कंप्लीट कर रहा है, ये बार बार ऐसा हो रहा है, तो बार बार मतलब रिपीट हो रहा है, तो मोशन को रिपीट कर रहा है। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, जब मोशन को रिपीट कर रहा है साथ में 60 मिनट्स में कर रहा है एक बार, तो दूसरी बार भी कितने में कर रहा है, 60 मिनट्स में, तीसरी बार भी कितनी कर रहा है, 60 मिनट्स में। दैट मीन्स टाइम का इंटरवल जो है वो फिक्स्ड है, तो मोशन को रिपीट भी कर रहा है और टाइम का इंटरवल फिक्स्ड भी है, मोशन को रिपीट भी कर रहा है और टाइम का इंटरवल फिक्स भी है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पेरियोडिक मोशन, जो अपने मोशन को रिपीट करे फिक्स्ड टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो पेरियोडिक मोशन में क्या होता है, मोशन इफ अ पार्टिकल या पार्टिकल रिपीट्स, सिंपल मैं पर डेफिनेशन इस गॉल्ड वाली बात नहीं लिखता हूँ, अ पार्टिकल, पार्टिकल मतलब ये वाला जो टिप, ठीक है, अ पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन, साथ में कैसे, इन फिक्स्ड टाइम इंटरवल, ठीक है। एक पार्टिकल है जो फिक्स्ड टाइम इंटरवल में अपने मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है। एक पार्टिकल है जो अपने मोशन को फिक्स्ड टाइम इंटरवल में क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है। तो एक पार्टिकल क्या, अपने मतलब मोशन को रिपीट कर रहा है, टाइम का इंटरवल भी क्या होना चाहिए, फिक्स्ड, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पेरियोडिक मोशन। जैसे एग्जांपल मैंने बताया, अगर घड़ी सही है तो ठीक है, हर जगह एक्सेप्शन है, अब घड़ी खराब होगी बोलेगा तो क्या होगा, तो अलग बात है फिर, ठीक है। तो मोशन ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड और सेकंड हैंड और आवर हैंड, ठीक है, ये पहला हो गया। अब अर्थ जो मोशन करता है किसके चारों ओर, बताइए, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन या मोशन ऑफ मून अराउंड एंड अराउंड अर्थ, ठीक है, अराउंड अर्थ, ठीक है, ये सारी चीज़ आप समझ ही रहे होंगे, मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है। अब आते हैं कि अगर मान लेते हैं ये अगर घड़ी ख़राब हो गई, मानते हैं, तो उसका जो टिप है वो पहली बार हो सकता है ज़्यादा कम टाइम में वो एक कंप्लीट कर ले साइकिल, फिर दूसरी बार करे, लेकिन चूंकि बैटरी में चार्ज नहीं है या बैटरी ख़राब हो गई है या कुछ भी हो गया है, जिसकी वजह से दूसरी बार कम या ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है। तो अगर मोशन को कोई रिपीट करे, सर्कल में ही कोई घूम रहा है, मान लेते हैं ऐसे ही कोई एक सर्कल बना दिया, इसी में कोई घूम रहा है, ठीक है, एक बच्चा है जो सर्कल में बार 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 10 बार 20 बार 30 बार चक्कर काट रहा है, ठीक है, तो चक्कर काट रहा है या काट रही है, ठीक है, मान लेते हैं पहली बार उसने जो चक्कर काटा उसको 1 मिनट लगा, दूसरी बार में 1.5 मिनट लगा, तीसरी बार में 30 सेकंड्स लगा, तो मोशन को तो रिपीट कर रहा है या कर रही है, लेकिन फिक्स्ड टाइम इंटरवल में नहीं कर रहा है या कर रही है, उसको बोलेंगे हम लोग नॉन पेरियोडिक मोशन। तो चाहे वो पेरियोडिक मोशन हो या नॉन पेरियोडिक मोशन हो, दोनों में एक जरूरी बात यह है कि वो मोशन को रिपीट करेगा, लेकिन अगर फिक्स्ड टाइम इंटरवल में करेगा तो पेरियोडिक मोशन होगा, और अगर फिक्स्ड टाइम इंटरवल में नहीं करेगा तो वो नॉन पेरियोडिक मोशन होगा। तो चाहे वो नॉन पेरियोडिक हो
हो या पेरियोडिक हो, दोनों ही कंडीशन में मोशन अपने मोशन पार्टिकल अपने मोशन को रिपीट करता है, लेकिन अगर फिक्स टाइम इंटरवल में करे तो पेरियोडिक मोशन होगा, और अगर फिक्स टाइम इंटरवल में ना करे तो नॉन पेरियोडिक मोशन होगा। ठीक है, तो पार्टिकल क्या करेगा, रिपीट्स इट्स मोशन नॉट इंटरवल्स, नॉट इन फिक्स्ड टाइम इंटरवल्स। कोई भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले सकते हैं कि खुद ही आप सर्कल में घूम रहे हैं और फिक्स्ड टाइम इंटरवल्स में नहीं घूम रहे हैं, तो सर्कल में जो घूमना है वो तो रिपीट हो रहा है, लेकिन टाइम का इंटरवल्स क्योंकि फिक्स्ड नहीं है, जिसकी वजह से इसको हम बोलेंगे नॉन पेरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन? नॉन पेरियोडिक मोशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑसिलेशन की। किसकी बात करेंगे? उल्टी तरफ से आ रहे हैं, आप समझ ही पा रहे होंगे। किसकी बात करेंगे? ऑसिलेशन की। ठीक है, थर्ड नंबर ऑसिलेटरी मोशन या बस ऑसिलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आप बात करें कि पेंडुलम की, पेंडुलम देखेंगे या झूला तो झूले होंगे ना आप, स्विंग इस तरह से। ठीक है, या कपड़ा जो सीता सिया जाता है वो टेलर जो होता है वो सुई जो होता है ना वैसे ऐसे नहीं करता है। तो बात ये है, या पेंडुलम आप देखे होंगे, पेंडुलम के केस में अगर आप बात करें, ये आपका पेंडुलम है। ठीक है, इस पर बात करेंगे अच्छे तरीके से और भी बाद में। ये इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? मीन पोजीशन, एम पी मतलब मीन, एम ई एन मीन पोजीशन। अब आप देखे होंगे इसको अगर हम आगे ले जाके छोड़ दें तो ऐसे ऐसे करता है ना ये। ठीक है, हवा की वजह से धीरे धीरे वो डैम्प हो जाता है, उसका मोशन रिपीट नहीं हो पाता है, बाद में आके रुक जाता है। अभी हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जितने सारे ऑसिलेशंस होंगे, बाय डिफ़ॉल्ट मतलब अगर कुछ नहीं गिवन है तो हमको बाय डिफ़ॉल्ट जो मानना है वो क्या, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग बात करेंगे किसकी, अनडैम्ड ऑसिलेशन की। किसकी? अनडैम्ड मतलब ऐसा ऑसिलेशन जिसमें एनर्जी कोई एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, मतलब एक बार जो ऑसिलेशन कर रहा है वो करते रहेगा, वो क्या करते रहेगा, करते रहेगा। और अनडैम्ड ऑसिलेशन में हम और एक बात मानेंगे, एक तो ये मानेंगे और दूसरा मानेंगे कि जो टाइम इंटरवल्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड टाइम इंटरवल्स। और जब फिक्स टाइम इंटरवल्स हो, आप खुद सोचें ये जो ऐसे ऐसे करेगा, ये तो एक ही टाइप का मोशन है ना, गया आया। तो कहीं जो जाता है कोई चीज़, जैसे बोलता आई एम गोइंग टू स्कूल टू, और अगर आएगा तो आई एम गोइंग फ्रॉम स्कूल, तो टू एंड फ्रॉम होगा यहाँ पे, क्या होगा बोलिए, टू एंड फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम से एम हटा दो, टू एंड फ्रो हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। कौन सा मोशन? गया वापस आया, वापस आके फिर पीछे गया, फिर वापस आया। इसमें फिर और कहानी है, पूरा सिंपल पेंडुलम में अलग से समझाना पड़ेगा। गया वापस आया, वापस आके फिर पीछे आया, फिर यहाँ आया, ये एक बार एक मोशन ये कंप्लीट किया, और यही वाला चलते रहेगा, मतलब मोशन को रिपीट करेगा। और हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट ये मानेंगे कि फिक्स टाइम इंटरवल्स में ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग पहले ही बोल दें कि अनडैम्ड ऑसिलेशन होगा और फिक्स टाइम इंटरवल्स होगा, ये हम मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, कुछ भी गिवन नहीं है तो। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, ये क्लियर है। एक बात समझ आ गई कि ऑसिलेटरी मोशंस आर टू एंड फ्रॉम मोशन, कहाँ से, फ्रॉम द मीन पोजिशन, और इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजिशन। कौन सा पोजिशन? तो सबसे पहली बात हो गई, ये कैसा मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, या इसको बोलते हैं हम लोग बैक एंड फोर्थ मोशन। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन को हम क्या कहते हैं बताइए, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और अगर ये फास्टर रेट में हो, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाए, फ्रीक्वेंसी आगे जाके जानेंगे आप, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज़्यादा हाई रेट में हो, जैसे आप ड्रम देखे होंगे, ठीक है, या गिटार का वो जो देखे होंगे व्हाटएवर, है ना, तो उसमें देखेंगे उसमें क्या होता है, जब हम लोग उसको दबा के छोड़ देते हैं ऐसे ऐसे करता है ना, वो अपने मेन पोजीशन से आगे पीछे करता है, और उसका जो शेप और साइज़ है उसमें बदलाव आ जाता है। किसमें बदलाव आ जाता है बताइए? साइज़ और शेप में। वैसे इसमें भी आता है, बट इतना कम आता है उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन जब वो फास्टर रेट में होता है, रेट उसका फास्ट हो जाता है, ऑसिल फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, जैसे ड्रम में होता है, उस वक्त देखना उसका जो शेप और साइज है उसमें बदलाव आ जाता है। ठीक है, तो अगर क्या हो, ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी हाई हो जाए, इफ फ्रीक्वेंसी इज हाई देन
ऑसिलेशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन. कौन सा मोशन? वाइब्रेटरी मोशन. एग्जाम्पल्स आपको लिखा हुआ है वहाँ पे, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं आप. ऑसिलेशन तो समझ ही रहे हैं. अगर ये फास्टर रेट में हो जैसे ड्रम में होता है, उस केस में उसका नाम ऑसिलेशन ना देके वाइब्रेशन कहते हैं. बात ऑसिलेशन की है, बस फ्रीक्वेंसी हाई हो गई. वैसे वाइब्रेटरी मोशन ना बोल के आप ऑसिलेशन बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जहाँ पे आपको लगता है कि शेप और साइज में परिवर्तन हो जाता है, फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, तो वैसे केस में ऑसिलेशन ना बोल के उसको वाइब्रेशन कहते हैं. हमारा देखते ना कभी मोबाइल में अगर वाइब्रेशन करता है तो वाइब्रेट करता है, आप करते नहीं बोलते ऑसिलेशन कर रहा है. एक्चुअली वाइब्रेट करने की वजह से ना आवाज आती है. टेबल में रखा हुआ है, आवाज आ रही है बाहर से, लेकिन आपने वाइब्रेशन में रखा है, लेकिन आवाज कैसे आ रही है? तो वाइब्रेशन की वजह से वहां पे जो टकरा रहा है उस आवाज को आप सुन पाते हैं. ठीक है, एक्चुअल में वहां से साउंड नहीं निकल रहा, वाइब्रेशन की वजह से साउंड वहां पे क्रिएट हो रहा है. ठीक है, तो वाइब्रेशन वहां बोलते हैं. वहां पे हमारा मतलब हम लोग प्रैक्टिकली ऐसा बोलते हैं, ऑसिलेशन नहीं बोल के वहां वाइब्रेशन ही बोलते हैं. तो क्लियर है, टू एंड फ्रो मोशन की वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी हाई होती है. और हम लोग बाय डिफॉल्ट जो ऑसिलेशन लेंगे वो अनडैम्ड ऑसिलेशन लेंगे. अगर ये डैम्ड होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, अपने मोशन को रिपीट नहीं कर पाएगा ना. जितना दूर गया था उतना दूर जा ही नहीं पाएगा, दूसरी बार थोड़ा कम ही दूर जाएगा. ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात हम करेंगे जहाँ पे वो, जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी, मतलब फिक्स टाइम इंटरवल में अपने मोशन को रिपीट करेगा. अगर ये गया वापस आया, गया वापस आया, दूसरी बार में इतना ही गया, तो मोशन तो रिपीट ही नहीं हो पाया ना. तो मोशन को रिपीट करेगा ये मानेंगे कौन सा ऑसिलेशन में, जो बाय डिफॉल्ट जो एज्यूम करेंगे, कन्वेंशन है हमारा कि ऐसा मान लेंगे कुछ नहीं गिवन है तो अनडैम्ड ऑसिलेशन है और फिक्स टाइम इंटरवल्स में अपने मोशन को रिपीट करेगा. तो अगर ये बाय डिफॉल्ट की बात करें, इससे हमें क्या पता चला कि मोशन को रिपीट करेगा और फिक्स टाइम इंटरवल में करेगा. मतलब ये कैसा होगा, जो ऑसिलेटरी मोशन होगा वो पेरियोडिक होगा. लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, पेरियोडिक होना कोई ज़रूरी नहीं है, प्रैक्टिकली होता भी नहीं है ठीक ठाक. ठीक है, तो पेरियोडिक मोशन क्यों है ये? क्योंकि फिक्स टाइम इंटरवल में अपने मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है. तो ऑसिलेटरी मोशन चूंकि फिक्स टाइम इंटरवल में अपने मोशन को रिपीट करता है, इसीलिए और इसीलिए पेंडुलम को हम लोग घड़ियों में इस्तेमाल करते हैं जो कि फिक्स टाइम इंटरवल में अपने मोशन को रिपीट करता है. ठीक है, तो पेरियोडिक मोशन, तो जितने सारे ऑसिलेटरी मोशंस हैं बाय डिफॉल्ट हम लोग ये मान लेंगे कि सारे के सारे जो ऑसिलेटरी मोशंस हैं दोज आर पेरियोडिक. तो आप लिख लीजिए एक पॉइंट, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पेरियोडिक. अब आते हैं पेरियोडिक में. देखिए, अब अगर अर्थ सन के चारों ओर घूमेगा, वो किस में घूमता है, सर्कल में, बेसिकली एलिप्टिकल पाथ में. अब अभी सर्कल ही मानिए, वो एक साल में कंप्लीट करता है, दूसरी बार भी एक साल में कंप्लीट करता है. पेरियोडिक तो है ना, अपने मोशन को फिक्स्ड टाइम इंटरवल में रिपीट करता है, लेकिन टू एंड फ्रो मोशन थोड़े कर रहा है. क्या नहीं कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर. आप खुद ही सर्कल में घूम रहे हैं, एक एक घंटे में एक बार, मतलब एक मिनट में एक बार घूमे, दूसरी बार भी एक मिनट में, तीसरी बार भी एक मिनट में, सर्कल में आप घूम रहे हैं, लेकिन आप तो टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन आपका मोशन रिपीट हो रहा है फिक्स टाइम इंटरवल में. दैट मीन्स वो तो पेरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है, टू एंड फ्रो मोशन नहीं है. दैट इज ऑल पेरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी. ठीक है, और इसकी बाल की खाल निकालेंगे तो फिर ऑसिलेटरी मोशन सारे के सारे पेरियोडिक नहीं है. मैं बस बाय डिफॉल्ट वाला केस बताया. ठीक है, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पेरियोडिक बट ऑल पेरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी. इतनी बात आप समझ गए होंगे. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन. चलिए ठीक है, अब लिखिए ट्रांसलेटरी मोशन. चलिए पहले रोटेटरी मोशन ही पढ़ लेते हैं, उल्टी तरफ से आ रहे तो. चार नंबर क्या, रोटेशन या रोटेटरी मोशन, रोटेशन. ठीक है, इसी में हम लोग सर्कुलर मोशन भी पढ़ेंगे. मानते हैं कि आप पूरा का पूरा इस बॉडी की बात कर रहे हैं, ये आपका डंडा है. ठीक है, ये आपका क्या है, इसके अबाउट सब, ये एक एक्सिस है, इसी के अबाउट ये घूम रहा है. फैन का मान लेते हैं, वो जो ब्लेड है वो भी आप देखे होंगे. ये देखिए, इसका जो टिप है, इसका टिप मान लेते हैं, ये एक मिनट में ये कंप्लीट किया, सेकंड का हैंडी मानिए, एक मिनट में ये सर्कल को कंप्लीट किया, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पार्टिकल है वो भी एक मिनट में कंप्लीट करेगा, ये वाला पार्टिकल भी एक मिनट में कंप्लीट करेगा, ये वाला पार्टिकल भी एक मिनट में कंप्लीट करेगा, ये वाला पार्टिकल एक मिनट में, और ये वाला पार्टिकल तो घूमेगा ही नहीं. ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो हर एक पार्टिकल जो सर्कल को कंप्लीट करेगा वो एक मिनट में करेगा. ये जो पूरा मोशन है एक साथ, इसको बोलते हैं हम लोग रोटेशन. क्या बोलते हैं इसको? रोटेशन.
ठीक है, मैं इसको लिखा नहीं रहा हूँ, आप खुद लिखें। तो रोटेशन आप समझ पा रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, रोटेशन हो गया। लेकिन आप खुद देखें, इस पार्टिकल ने एक मिनट में अपने मोशन को कंप्लीट किया, एक सर्कल को कंप्लीट किया, दूसरा वाला भी किया, लेकिन दूसरा वाला जो डिस्टेंस कवर किया वो तो कम किया ना, तीसरा वाला और कम किया, उसके अंदर वाला और कम किया, उसके अंदर वाला और कम किया, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस टिप वाले ने किया। मतलब टिप वाले ने उतने ही टाइम इंटरवल में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो सेम टाइम इंटरवल हो और जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे उसकी स्पीड हाई है ना, ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, सबको तो एक ही मिनट मिला है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्टेंस टिप ने किया और सबसे कम ये तो चला ही नहीं है। तो इससे पता चला सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, और इसकी ज़ीरो। दैट मीन्स रोटेटरी मोशन में हर एक पार्टिकल की स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है। मतलब अलग अलग पार्टिकल की स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है, किसी दो की एक भी हो सकती है, वो देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे अलग अलग पार्टिकल्स की स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है, और सारे के सारे एक एक्सिस के अबाउट सर्कल में घूमते हैं, ठीक है। तो रोटेटरी मोशन में क्या होता है बताइए, पार्टिकल्स मूव अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है, पार्टिकल्स मूव अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस इन अ सर्कुलर पाथ, और सबका जो सेंटर होता है वो सेम होता है। पार्टिकल्स मूव अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस इन अ सर्कुलर पाथ, यहाँ पे कैसा लिखा है देख लेते हैं। इन दिस टाइम द ऑब्जेक्ट रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, अरे वाह सही है, द मोशन ऑफ ब्लेड्स व सीलिंग फैन, समझ रहे हैं आप। तो और एक एक पार्टिकल जो मूव करेगा इसको सर्कुलर मोशन कहेंगे, एक पार्टिकल जो सर्कल में घूमेगा उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे, और सारे पार्टिकल्स एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट जो घूमेगा उस पूरे को बोलेंगे रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन में क्या होंगे, कई पार्टिकल्स होंगे, और सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल की बात करते हैं, ये बात समझ गए। और इसमें स्पीड अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग हुआ करती है, ठीक है, मतलब सारे की स्पीड सेम नहीं हुआ करती, अलग अलग की, किसी दो की एक भी हो सकती है, अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि सारे पार्टिकल्स की स्पीड सेम हुआ नहीं करती है, कौन से मोशन में, रोटेटरी मोशन में। और अगर एक ही पार्टिकल की बात करें जो सर्कल में घूमे उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो ये बात हो गई किसकी, रोटेटरी मोशन की। अब आते हैं हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन में, कौन सा मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, सबसे लास्ट में पढ़ना इसको, वन देख लीजिएगा कौन सा नंबरिंग में भूल गया, 1, 2, 3, 4, 5 होगा शायद, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन। अब आप रोटेटरी मोशन में देखिए कि अलग अलग पार्टिकल की, मतलब बहुत सारे, मतलब सारे पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं होती है। स्पीड के साथ डायरेक्शन की अगर बात करें उसको वेलोसिटी कहते हैं, सिंपल सी बात है, स्पीड के साथ डायरेक्शन की बात करें उसको वेलोसिटी कहते हैं। इसमें ऑल पार्टिकल्स हैव सेम velocity at the instant, एक instant में अगर देखेंगे तो एक एक particle की velocity क्या होनी चाहिए, same। इसमें दो तरह का motion होगा, क्या क्या, एक होगा आपका rectilinear और एक होगा curvilinear, ठीक है। जैसे एक आपका सीधे कोई body जा रहा है, ठीक है, तो अब इसमें देखिएगा, इसमें रिजिड बॉडी की बात करते हैं। देखिए ये हमारा मान लेते हैं एक पार्टिकल है, दो पार्टिकल है, तीन पार्टिकल ही हम मानते हैं, वैसे इनफिनाइट पार्टिकल्स होंगे, तीन पार्टिकल्स हैं। ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, डायरेक्शन सबका सेम है, पूरा बॉडी इधर जा रहा है, ठीक है, और ये तीनों पार्टिकल भी उधर ही जा रहा है, तो सबका डायरेक्शन उस इंस्टेंट में सेम है। मान लेते हैं ये 2 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, तो ये भी 2 मीटर पर सेकंड में और ये भी 2 मीटर पर सेकंड में। तो अगर सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में जाए, डायरेक्शन चेंज ना हो, और सबकी स्पीड और डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी सेम है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में जाए तो उसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन कर्विलिनियर में क्या होता है कि रास्ता कुछ ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर चलेगा, मान लेते यहाँ पे है अभी, कभी यहाँ पे है, ठीक है, अब बताइए यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पे मान लेते 2 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, तो डायरेक्शन तीनों का क्या है, सेम है, और यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन तीनों का क्या होगा, सेम होगा। जिस इंस्टेंट में हम बात करेंगे उस इंस्टेंट में हर एक पार्टिकल का डायरेक्शन और उसकी जो स्पीड होगी वो सेम हो जाए तो उसको बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। अगर वो हमेशा एक ही स्ट्रेट लाइन में चले तो उसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, और अगर कर्व में चले तो कर्विलिनियर मोशन। लेकिन दोनों में क्या सेम है कि उस इंस्टेंट में जो डायरेक्शन होगा पार्टिकल्स का सबका सेम होना चाहिए, और डायरेक्शन सेम होना चाहिए और स्पीड सेम होना चाहिए। हो सकता है स्पीड बदले लेकिन सबका एक साथ बदलना पड़ेगा, हो सकता है डायरेक्शन बदले सबका एक साथ बदलना पड़ेगा। तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे कौन सा मोशन, कर्वी लीनियर मोशन,
रेक्टिलिनियर मोशन ही आप समझिए ज़्यादा टेंशन हो रहा है तो, ट्रांसलेटरी मोशन में जिस इंस्टेंट में आप बात करेंगे, जहाँ पे जिस सिचुएशन में आप बात करेंगे, वहाँ पे जो अरे जितने सारे पार्टिकल्स होंगे उस सारे पार्टिकल्स की स्पीड और डायरेक्शन अगर सेम हो जाए तो उसको ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे, और अगर सारा का सारा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे, और कर्व में चलेगा तो कर्वलिनियर मोशन बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे, मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन को समझाने की हमने कोशिश की है, और आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, और आपको समझ आए तो कमेंट ये भी करें कि सर आगे के लेक्चर्स चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि आपको नहीं चाहिए होगा तो मैं बना के फालतू क्या करूँगा। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेकआउट करें, हमारा जो सिस्टम है स्मूथली कैसे चलता है उसके लिए सपोर्ट रख सका एक ऑप्शन है जो आप ज़रूर चेक करें, वो अगर आप कर सकें, वरना नहीं कर सकें तो आप पढ़ाई ज़रूर करें, हम लोग ज़रूर मिलके एक दोस्त ही रहेंगे, ठीक है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपसे हो सके तो वो करें, नहीं हो सके तो नहीं करें, लेकिन आप पढ़ाई ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।